हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है और पाइथन में आप सिलेक्शन शॉर्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. राइट, अब यहाँ पे देखो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, जिसकी हेल्प से हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. राइट, तो सिलेक्शन शॉर्ट भी क्या है? एक शॉर्टिंग टेक्निक है, एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जिसकी हेल्प से आप डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. राइट, अब यहाँ पे देखो, इन दिस मैथड टू शॉर्ट द डेटा ऑफ अ लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर. मान लो आपके पास एक लिस्ट है जिसके डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वैल्यू. ओके, द जीरोथ एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज कंपेयर्ड विद ऑल द अदर एलिमेंट. जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू होगी उसको कंपेयर किया जाता है लिस्ट के सारे एलिमेंट्स के साथ, जितने भी और अदर एलिमेंट्स हैं. तो मान लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसका जीरो इंडेक्स पे है एलिमेंट है 25, दिस इज 25, देन आपका 17 है, देन आपका यहाँ पे 31 है. राइट, देन आपका है 13, ओके, एंड देन आपके पास है 2. राइट, अब यहाँ पे देखो जीरो इंडेक्स पे हम आपका 25 है, देन 1, देन 2, देन आपका 3 इंडेक्स है, देन आपका 4 इंडेक्स है. अब जीरो इंडेक्स को कंपेयर किया जाएगा 1 इंडेक्स की वैल्यू के साथ. अब यहाँ पे 1 इंडेक्स की वैल्यू क्या है? स्मॉलर है. ओके, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी. 17 चला जाएगा जीरो इंडेक्स पे और 25 चला जाएगा 1 इंडेक्स पे. राइट, स्वैपिंग हो गई. एंड देन आपकी यहाँ पे 31, देन आपका 13, एंड देन आपका 2. राइट, अब 17 कहाँ पे? जीरो इंडेक्स पे. अब जीरो इंडेक्स किसके साथ कंपेयर करेगा? जीरो इंडेक्स यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है. फाइन, ओके, ये आपके इंडेक्स वैल्यू हैं, दिस इज़ योर लिस्ट. ओके, इसको यहाँ पे हम ऐसे क्रिएट कर देते हैं, दिस इज़ योर लिस्ट. फाइन, जीरो इंडेक्स पे सबसे पहले आपका कंपेयर हुआ 1 इंडेक्स के साथ. अब जीरो इंडेक्स की वैल्यू जो 17 है वो किसके साथ कंपेयर होगी? वो 2 इंडेक्स के साथ कंपेयर होगी. 2 इंडेक्स पे क्या है? 31 है. 31 क्या है? बिगर देन 31 इज़ बिगर देन 17, तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी. राइट, अब क्या करेंगे? जो जीरो इंडेक्स की वैल्यू किसके साथ कंपेयर होगी? 3 इंडेक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर होगी. तो 3 इंडेक्स पे आपके पास क्या है? 13 है, तो अगेन स्वैपिंग होगी. तो 17 कहाँ चला जाएगा? 3 इंडेक्स पे, और 13 चला जाएगा जीरो इंडेक्स पे. तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी 13, देन 25, ओके, देन 31, ओके, देन आपकी यहाँ पे आ गई 17, और उसके बाद 2. अब जीरो इंडेक्स पे आपके पास क्या आ चुका है? 13 आ चुका है. तो जीरो इंडेक्स अब किसके साथ कंपेयर होगा? अब कंपेयर होगा 4 इंडेक्स की वैल्यू के साथ, दैट इज़ 2. 2 के साथ कंपेयर होगा, 4 इंडेक्स पे ही है. तो यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा? स्वैपिंग हो जाएगी, क्योंकि 2 क्या है? स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू द 13. तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे अब आपके पास 2 आ चुका है, और आपके पास 25, देन आपके पास 31, देन आपका 17, एंड देन आपका यहाँ पे 13. राइट, तो देखो फर्स्ट ये आपका मैंने क्या किया, एक फर्स्ट इटरेशन किया. फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ? आपके पास एक स्मॉलेस्ट वैल्यू आ चुकी है. इसी तरीके से अब जीरो इंडेक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है. अब आप 1 इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर करोगे. ये आपका 1 इंडेक्स की वैल्यू, 1 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स, जब तक कि कंप्लीटली शॉर्ट जो 1 इंडेक्स पे है वो सेकेंड शॉर्ट जो सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको नहीं मिल जाती है. इस तरीके से ये आपका प्रोसीजर चलेगा. फाइन, अब देखो, इफ द जीरो एलिमेंट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द कंपेयर्ड एलिमेंट देन दे आर इंटरचेंज. मैंने बताया कि अगर जीरो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, जिस भी वैल्यू के साथ आप कंपेयर करो, अगर वो वैल्यू से छोटी है तो वहां पे स्वैपिंग हो जाएगी. छोटी वैल्यू जीरो इंडेक्स पे चली जाएगी, और जीरो इंडेक्स की वैल्यू जहां पे वो छोटी वैल्यू है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे चली जाएगी. सो आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज प्लेस एट द जीरो पोजीशन. जब हमने एक इटरेशन कर लिया, एक कंप्लीट इटरेशन ट्रेवर्स कर लिया, तो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ चुकी है लिस्ट की. द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन. ऐसे ही आपको फर्स्ट एलिमेंट के लिए करना है. फर्स्ट एलिमेंट सारे एलिमेंट से कंपेयर करेगा, देन सेकेंड एलिमेंट सारे एलिमेंट से कंपेयर करेगा, जब तक कि आपको कंप्लीट शॉर्ट लिस्ट नहीं मिल जाती. राइट, टू शॉर्ट अ लिस्ट हैविंग एन एलिमेंट द सिलेक्शन शॉर्ट मेक्स एन माइनस वन नंबर ऑफ पासिस टू द लिस्ट. अगर आपके पास एन एलिमेंट्स हैं, मान लो आपके पास 5 एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर, तो कितने इटरेशन में ये कंप्लीटली शॉर्ट हो जाएगी? 4 इटरेशन में. ठीक है, 4 इटरेशन में मतलब 4 टाइम्स आपको इसको कंप्लीटली ट्रेवल्स करना पड़ेगा, और 4 टाइम्स में ये कंप्लीटली शॉर्ट हो जाएगी. द लिस्ट इज कंसीडर्ड टू बी डिवाइडेड इंटू टू लिस्ट. यहाँ पे क्या होगा? लिस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. द लेस्ट लिस्ट कंटेनिंग द शॉर्टेड एलिमेंट्स, लेफ्ट लिस्ट जो आपकी आई है, जैसे आप
आपके फर्स्ट स्टेज इटरेशन में 2 आया ही। अब ये क्या होगा, ये शॉर्टेड लिस्ट कंसीडर होगा। तो लेफ्ट लिस्ट में क्या होगा, शॉर्टेड एलिमेंट होंगे एंड द राइट लिस्ट कंटेनिंग द अनशॉर्टेड एलिमेंट्स, और जो राइट लिस्ट होगी उसमें अनशॉर्टेड एलिमेंट होंगे। इनिशियली द लेफ्ट लिस्ट इज एम्प्टी एंड द राइट लिस्ट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट। तो जो स्टार्टिंग में क्या होता है, लेफ्ट लिस्ट एम्प्टी होती है और जो राइट लिस्ट होती है उसमें ही सारे अनऑर्डर्ड एलिमेंट होते हैं, राइट। लेटर ऑन क्या होता है, फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट एलिमेंट मिल गया जो स्मॉलेस्ट है लिस्ट का, देन सेकंड जो आपका सेकंड इटरेशन होगा उसमें आपको सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे करके आप क्या करते हो, आपके पास कंप्लीट शॉर्टेड लिस्ट आ जाती है। इसको आप एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, हमारे पास 5 एलिमेंट्स की एक लिस्ट है विच इज टू बी शॉर्टेड, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है, टू शॉर्ट अ लिस्ट हैविंग 5 एलिमेंट्स द सिलेक्शन शॉर्ट मेक्स 5-1 4 नंबर्स ऑफ पासेस और इटरेशन थ्रू द लिस्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 5 एलिमेंट्स की अगर लिस्ट है तो नंबर ऑफ इटरेशन कितने होंगे जिसमें आपकी लिस्ट शॉर्ट हो जाए, 4 होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशन या नंबर ऑफ पासेस, फाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास लिस्ट है, ये आपका 0 इंडेक्स का एलिमेंट है, ये 1 इंडेक्स का, ये 2 इंडेक्स का, ये 3 इंडेक्स का एंड ये आपका 4 इंडेक्स का एलिमेंट है। तो क्या था, 0 इंडेक्स का एलिमेंट 1 के साथ कंपेयर होगा, 2 के साथ कंपेयर होगा, 3 के साथ कंपेयर होगा, 4 के साथ कंपेयर होगा, जहाँ जहाँ उसको अपने से स्मॉलर वैल्यू मिलेगी वहाँ वहाँ स्वैपिंग हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 25 ने पहले कंपेयर किया 1 इंडेक्स के एलिमेंट के साथ 17 के साथ, 17 क्या है, 25 से स्मॉलर, स्वैपिंग हो गई, स्वैपिंग हो जाएगी, यहाँ पे 17 आ गया 0 इंडेक्स पे, अब 17 आ गया और 1 पे क्या चला गया, 25, राइट। अब 17 ने क्या किया, यहाँ पे 2 इंडेक्स के साथ करी अपनी कंपैरिजन किया, ठीक है, ये आपका 2 इंडेक्स है, इसके साथ कंपैरिजन किया तो यहाँ पे क्या है, 31 तो बिगर है तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। फिर उसने 3 इंडेक्स के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन किया तो वो क्या है, स्मॉलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से स्वैपिंग हो जाएगी, 13 आ जाएगा 0 इंडेक्स पर और 17 कहाँ चला जाएगा, 3 इंडेक्स पर चला जाएगा, राइट। अब हमारे पास 13 क्या करेगा, जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज 4 इंडेक्स एलिमेंट, ये जो आपका 2 है, ठीक है, इसके साथ कंपैरिजन करेगा तो यहाँ पे क्या है, 2 स्मॉलर है 13 से, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा 0 इंडेक्स पे एंड 13 चला जाएगा आपका 4 इंडेक्स पे, राइट, ओके, ये आपका 0 इंडेक्स का एलिमेंट है, फाइन। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 लिस्ट आ गई, एक शॉर्टेड लिस्ट आ गई, एक अनशॉर्टेड लिस्ट आ गई। शॉर्टेड लिस्ट में अभी एक ही एलिमेंट है डेट इज 2। अब देखो इसके जो फर्स्ट इटरेशन था उसमें क्या हुआ, आपको आपका लिस्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल चुका है, ओके। अब यहाँ पे जो मेन कोड यूज होगा उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, उसको मैं समझा देती हूँ अलॉन्ग विद द एग्जांपल। यहाँ पे हमने n वेरिएबल लिया है और इसमें क्या है, लेन ऑफ द लिस्ट, लेन ऑफ द लिस्ट मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो हमारी लिस्ट में क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं। अब हमने एक आउटर लूप चलाया है फॉर i इन रेंज n, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जो 0 से चलेगा, मतलब ये जो आउटर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो 0 से n-1 तक चलेगा। n-1 क्या है आपका, 4, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 5, और आपको पता है रेंज में एंडिंग वैल्यू क्या होती है, n-1, तो आपका ये लूप चलेगा 0 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक, 0 इंडेक्स से आपका चलेगा 4 इंडेक्स तक, तो कंप्लीट ट्रेवर्स करेगा, फाइन, ओके। अब इस लूप के अंदर आपने एक वेरिएबल लिया मिन, और मिन में आपने डाल दिया i का इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका 25 है, अगर हम देखें तो ये आई वेरिएबल भी इसको रेफर कर रहा है और मिन वेरिएबल भी इसको रेफर कर रहा है, मतलब मिन की वैल्यू भी 25 है, या तो आप आई भी बोल सकते हो या आप इसको मिन भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने क्या किया, आई इंडेक्स की वैल्यू हमने डाल दी मिन वेरिएबल के अंदर, ओके। तो मिन वेरिएबल के अंदर भी क्या है, 25 है, हमने मान लिया 25 हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, राइट, ओके। अब इसके अंदर हमने एक नेस्टेड लूप लिया है जे, फॉर जे इन रेंज आई प्लस वन एन, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई प्लस वन, तो आई प्लस वन आपका 1 हो गया, जे आपका ये है 17 और आई आपका क्या है 25, जे आपका चलेगा 1 इंडेक्स से लेकर आपका 4 इंडेक्स तक, एन तक, तो एन माइनस वन क्या हो गया, 4, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपने क्या लिया है, आपने कंडीशन ली है, इफ लिस्ट मिन, जो लिस्ट का मिनिमम एलिमेंट है वो लिस्ट के जे वाले एलिमेंट से अगर बड़ा है, अगर ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से बड़ा है तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी, आई की जे की जो वैल्यू है, देखो जे की जो वैल्यू है वो मिनिमम में चली जाएगी, मिनिमम वाले इंडेक्स वाले वेरिएबल में चली जाएगी और मिन वाली वैल्यू जे के अंदर चली जाएगी, ठीक है, और मिन वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, जे के अंदर, यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा लूप कम्प्लीटली चलेगा, जो ये आपका ये जो इनर लूप है, ओके, वो चलेगा कम्प्लीटली, पहले आई प्लस वन आपका था 1 इंडेक्स पर,
ओके, और आपको कहाँ तक चलना है, एन तक, ओके। और आई की वैल्यू आपकी जीरो रहेगी, यहाँ पे आई की वैल्यू तो आपकी जीरो इंडेक्स है ना, आई की वैल्यू जीरो रहेगी। और जे की वैल्यू क्या होगी, पहले आपकी जे की वैल्यू वन होगी, ओके, एंड आई एंड वन कंपेयर हुए, आई की वैल्यू और वन की वैल्यू कंपेयर हुई। अब जे की वैल्यू क्या होगी, अब जे की वैल्यू हो जाएगी टू, ठीक है। अब इसको 25 किससे कंपेयर होगा, टू इंडेक्स के साथ कंपेयर होगा। यहाँ पे 31 क्या है, बिगर है, 25 है स्मॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि ये जो इनर लूप होता है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करता है, फाइन। उसके बाद कंट्रोल बाहर जाएगा। अब यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स की वैल्यू है वो किसके साथ कंपेयर होगी, 3 इंडेक्स के साथ कंपेयर होगी, ठीक है। 3 इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 3 इंडेक्स की वैल्यू स्मॉलर है, यहाँ पे देखो 3 इंडेक्स की वैल्यू स्मॉलर है, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। जो आपकी जे की वैल्यू है वो मिनिमम में चली जाएगी, डेट इज़ आई, और आई की वैल्यू चली जाएगी जे में, ठीक है। यहाँ पे स्वैपिंग हो गई, ओके। अब आपकी जे की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। और जे की वैल्यू, जो आपका जे वेरिएबल है वो कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, 4 इंडेक्स वैल्यू तक चलेगा, 4। अब आपका जे जो है वो किसके साथ कंपेयर करेगा, आपका 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करेगा, तो उस पर हमारा 2 है, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, 2 चला जाएगा आई की वैल्यू में, मतलब आई इंडेक्स पर, और आपकी जो आई इंडेक्स की वैल्यू है वो जे पे चली जाएगी। जे पे अभी हमारा क्या है, अभी हमारा जो जे पे हमारा 2 था वो चला गया आई इंडेक्स पर, दैट इज मिनिमम वेरिएबल के अंदर वो इनिशलाइज हो गया। यहाँ पे देखो ना, जे कहाँ चला जाएगा, मिनिमम के अंदर चला जाएगा, तो मिनिमम के अंदर चला गया, और जे के अंदर चला जाएगा मिनिमम, तो यहाँ पे जो मिनिमम था वो जे के अंदर चला गया, जो पहले क्या था 13, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इन द एंड हमें ये लिस्ट मिल गई है, एक शॉर्टेड एलिमेंट मिल चुका है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आपको मिल चुका है, फाइन, ओके। अब यही कॉन्सेप्ट, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गया, इनर इटरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, राइट, इनर इटरेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, और जे की वैल्यू यहाँ से कहाँ से स्टार्ट, अब आई कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर 4 तक चलेगा, ठीक है। और इनर लूप आपका कहाँ चलेगा, आपका इनर लूप चलेगा 2 से लेकर 4 तक, फाइन, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब आई की वैल्यू आपकी 1, जो 1 इंडेक्स का एलिमेंट था 25, ओके, ये कंपेयर होगा पहले आपका इससे, ये आपका जे एलिमेंट है, फाइन। तो अब मैं सिंपल इसका कोड तो आपको समझा चुकी हूँ, मैं सिंपल समझा देती हूँ, आई है, ओके, तो 1 इंडेक्स आपका कंपेयर होगा 2 इंडेक्स से, फिर आपका कंपेयर होगा 3 इंडेक्स से, फिर आपका कंपेयर होगा 4 इंडेक्स से, फाइन। सेम प्रोसीजर चलेगा जो भी मैंने आपको कोड में समझाया है, ठीक है। अब 1 इंडेक्स पे आपका देखा जाएगा 25 और 31 को स्वैप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 31 बड़ा है। देन 25 का कंपैरिजन होगा आपका 3 के साथ, ओके, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, क्योंकि 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो स्मॉलर है, तो यहाँ पे देखो 17 आ गया आपका 1 इंडेक्स पे, और 25 आपका चला गया 3 इंडेक्स पर, ठीक है, ओके। देन आपका 1 इंडेक्स का कंपैरिजन होगा आपके 4th इंडेक्स के साथ, दैट इज 13, ओके। अब 13 क्या है, स्मॉलर है, तो 13 चला जाएगा आपका 1 इंडेक्स पर, और जो 1 इंडेक्स का एलिमेंट है वो कहाँ चला जाएगा, आपके 4th इंडेक्स पर। अब यहाँ पे देखो, इन द एंड ऑफ द सेकेंड इटरेशन आपके पास 2 शॉर्टेड वैल्यूज आ चुकी हैं, और ये आपकी अनशॉर्टेड लिस्ट है। और अब ये अनशॉर्टेड लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, आपका 2nd इंडेक्स से स्टार्ट होगी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ओके, और जे की जो इनिशियल वैल्यू होगी, जे की इनिशियल वैल्यू होगी 3, राइट। अब जो 2 इंडेक्स का एलिमेंट है वो आपका कंपेयर, सॉरी इसको ऐसे बना लेते हैं, 2 इंडेक्स का एलिमेंट है वो कंपेयर करेगा पहले 3 इंडेक्स के एलिमेंट के साथ, ठीक है। 3 इंडेक्स का स्मॉलर है, तो स्वैपिंग हो जाएगी, ये आ गया 25 आ गया आपका 2 इंडेक्स पर, और 31 आ गया आपका 3 इंडेक्स पर। अब 2 इंडेक्स का एलिमेंट आपका कंपेयर होगा आपका 4th इंडेक्स से, अगेन आपकी स्वैपिंग हो जाएगी, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है, ओके, 17, तो 17 यहाँ पे आ गया आपका 2 इंडेक्स पर, ओके, एंड 25 चला गया आपका 4 इंडेक्स पर। स्वैपिंग हुई ना, इंटरचेंज हुई है पोजीशंस वैल्यूज़ की। तो अब यहाँ पे आपके थर्ड इटरेशन में आपके पास 3 शॉर्टेड वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 2, 13 एंड 17, और यहाँ पे हमारे पास 2 अनशॉर्टेड वैल्यूज़ है, 31 एंड 25, ओके। अब देखो, हमारे पास अब लास्ट इटरेशन है, लास्ट इटरेशन में क्या करना है, ये हमारा, ये आपका हो गया 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, राइट। अब हमारा 3 इंडेक्स, आई आपका क्या बन चुका है 3,
एंड जे आपका बन चुका है, सॉरी आई जो आपका आई जो है वो क्या है, 3 इंडेक्स है और आपका जे क्या है, 4। ओके अब यहाँ पे हम सिंपल कंपैरिजन करेंगे आई का जे के साथ, या 3 इंडेक्स का कह सकते हो आप 4 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगी, स्वैपिंग हो जाएगी, 2 चला जाएगा 3 इंडेक्स पे एंड सॉरी 25 चला जाएगा 3 इंडेक्स पे एंड 31 चला जाएगा 4 इंडेक्स पे, फाइन। एंड इन द एंड ऑफ द फोर्थ इटरेशन यू विल गेट द शॉर्टेड लिस्ट, यहाँ पे आपको शॉर्टेड लिस्ट मिल गई है। ओके अब जो हमने कोड समझा था उसे सिंपली हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो हम करते हैं। ओके तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट यूजिंग पाइथन। ओके और यहाँ पे हम एक हेडिंग और दे देते हैं, अरेंज लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, फाइन। तो लिस्ट यहाँ पे हम यूजर से एंटर करवा लेते हैं, उसके लिए आपको एक मैंने क्या लिया, एक लिस्ट वेरिएबल लिया है और ईविल फंक्शन लिया है। ईविल फंक्शन क्यों लिया है, अगर आप जिस भी फॉर्म में डेटा इनपुट कराते हो उसी फॉर्म में ये उसको ईवेल्यूएट कर देता है। अगर आप लिस्ट के फॉर्म में इनपुट कराओगे तो लिस्ट के फॉर्म में उसको ईवेल्यूएट करेगा, प्रोसेस करेगा। अगर आप टपल की फॉर्म में कराओगे तो टपल की फॉर्म में प्रोसेस करेगा, राइट। तो हम सिंपल यहाँ पे ईविल फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, इनपुट करा लिया और यहाँ पे हम देंगे प्रॉम्प्ट एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, राइट, एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ओके इनपुट करा दिया और जो भी आप लिस्ट एंटर कराओगे ईवेल क्या करेगा, उसे एज अ लिस्ट ही ईवेल्यूएट करेगा, फाइन। अब मैं यहाँ पे हमने एंटर करा ली लिस्ट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंट कि जिससे पता चले शॉर्टेड लिस्ट और अनशॉर्टेड लिस्ट दोनों, ठीक है। अनशॉर्टेड लिस्ट इज, अनशॉर्टेड लिस्ट इज, तो अभी हमारा लिस्ट वेरिएबल में जो भी लिस्ट आएगी वो आपने प्रिंट करा दी, ठीक है, जो भी आप एंटर करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक एन वेरिएबल लिया जिसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट की लेंथ ले लेंगे। लेंथ हम इसलिए ले रहे हैं जिससे हम क्या करें, अपना लूप चला सकेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने एक फोर लूप लिया, फोर आई इन रेंज एन, ये कोड मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। ये जो आउटर लूप है, ओके, वो क्या है आपका, फर्स्ट एलिमेंट के लिए है, फर्स्ट 0 इंडेक्स के लिए है। और फिर जो जे वाला लूप हम चलाएंगे वो क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए होगा, कंपैरिजन के लिए, ठीक है। ये कोड मैंने अभी आपको समझा दिया है, फॉर आई इन रेंज एन, ओके। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0, मान लो जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, वो 0 इंडेक्स से लेकर, मान लो आपके 5 एलिमेंट्स है तो कहाँ से चलेगा, 0 to 5, ओके, ऐसे चलेगा ये। अब मैंने मिनिमम जो मेरा वेरिएबल है उसमें आई की वैल्यू डाल दी, मीन्स जो भी आई की वैल्यू, जो भी आई इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो अब क्या है, मैंने मान के चल रही हूँ कि वो मेरी मिनिमम वैल्यू है, राइट। अब मैंने यहाँ पे करवाया 4 जे इन रेंज आई प्लस 1 एन, ओके, आई प्लस एन 1 और n, ठीक है, आई प्लस 1 से चलेगा और कहाँ तक, n तक चलेगा, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुकी कैसे चलेगा, फाइन। अब यहाँ पे हम दे देंगे सिंपल अपना, अगर लिस्ट का मिनिमम वाला एलिमेंट, राइट, जो मिनिमम जो हम मान रहे हैं वो एलिमेंट लिस्ट के जे इंडेक्स, यहाँ पे जे में क्या है, जे आपका जो आई प्लस 1 इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है, अगर वो जे इंडेक्स की वैल्यू से बड़ा है, ठीक है, जे इंडेक्स की वैल्यू से बड़ा है तो क्या करना है, हमें सिंपल यहाँ पे स्वैपिंग करनी है। लिस्ट का जो मिनिमम है अगर वो बड़ा है, मिनिमम एलिमेंट अगर लिस्ट के जे वाले एलिमेंट से बड़ा है, मतलब यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट से कंपेरिजन कर रहे हैं, फिर थर्ड से करेंगे, फोर्थ से, लाइक दिस, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाए। लिस्ट के मिनिमम में क्या चला जाए, लिस्ट के मिनिमम में चला जाए लिस्ट का जे जो स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, जो छोटी वैल्यू है वो लिस्ट के मिनिमम में चली जाए, ओके। और लिस्ट के जो जे वाली वैल्यू थी,
ठीक है, जे वाली वैल्यू थी उसमें चला जाए लिस्ट की मिन वाली वैल्यू, जो बड़ी वाली वैल्यू है, ठीक है। फिर से देखो, अगर लिस्ट का जो हमने मिन कंसीडर किया है राइट, उसमें अगर बड़ी वैल्यू है ओके, एंड जे वाले जे इंडेक्स पे आपकी क्या है छोटी वैल्यू है, तो आप क्या करोगे जे वाली वैल्यू डाल दोगे मिन वाली वैल्यू में, एंड मिन वाली वैल्यू डाल दोगे जे वाली वैल्यू में, ठीक है। तो जे वाली वैल्यू हमने डाल दी मिन वाली वैल्यू में ओके, एंड मिन वाली वैल्यू डाल दी हमने जे वाली वैल्यू में राइट, जे इंडेक्स पर ओके, हो गया आपका। अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हम करा देते हैं अपनी प्रिंट लिस्ट। तो यहाँ पे जितने भी इटरेशन्स होंगे ये देखो, तो उतने नंबर ऑफ इटरेशन्स आ जाएंगे, और मैं यहाँ पे एक देती हूँ प्रिंट ओके एम्प्टी, इससे क्या होगा मेरा वन लाइन का गैप आ जाएगा, एंड इन द एंड आपने प्रिंट करा दिया प्रिंट शॉर्टेड लिस्ट इज, आप अपनी शॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करा दो, ठीक है, शॉर्टेड लिस्ट इज लिस्ट ओके। अब यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, फाइन, इसको मैं यहाँ सेव करूँगी यूजर्स में सोनी में, इसको मैं कर लेती हूँ सिलेक्शन टू, ठीक है। F5 पे लिस्ट एंटर करनी है, मैंने जो एग्जांपल लिया था वही वाली लिस्ट एंटर कर देती हूँ, 25 17 ओके 31 और आपका आ गया 13 एंड वी हैव 2 ओके। तो 5 एलिमेंट्स है, तो कितने इटरेशंस में शॉर्ट होगी, 4 इटरेशंस में, ठीक है। अब इसको एंटर प्रेस किया, देखो यहाँ पे ये आपका 1 2 3 4 4 इटरेशन में आपके जो फोर्थ इटरेशन है उसमें कंप्लीट शॉर्टेड लिस्ट आपके पास आ चुकी है, 2 13 17 25 31 ओके। इसको यहाँ पे रिपीट कर दिया, अदरवाइज नंबर ऑफ इटरेशन कितने हैं आपके 1 2 3 एंड 4, एंड दिस इज़ योर शॉर्टेड लिस्ट 2 13 17 25 31। प्रोसीजर मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपका जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट के साथ कंपेयर होगा, देन आपका 2 के साथ, देन 3 के साथ, एंड देन 4 के साथ ओके। इन द एंड फर्स्ट इटरेशन में क्या होगी, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा, सेकेंड इटरेशन में आपको सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, थर्ड में आपको थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, इस तरीके से आपके पास शॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी ओके। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।